हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं फिर से आई हूँ अपनी नई वीडियो लेकर मंजू जी के संगीत माला पार्ट टू में। आज हम बनाएंगे देसी घी के परांठे, तो वो भी स्पेशल तरीके से। दोस्तों, आज हम देसी घी के परांठे, ये मेरी कढ़ाई है, अब मैं कढ़ाई को गर्म कर रही हूँ और मैंने इसमें एक चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब मैं आलू को फ्राई करूंगी। ये दोस्तों, अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे, ये ऑयल आलू है, जीरा एक चम्मच, नमक, मिर्च, हल्की सी मिर्च क्योंकि मैं हरी मिर्च यूज करूंगी, पिसा हुआ धनिया, दो हरी मिर्च, चाट मसाला, धनिया, हरा धनिया, ये ज्यादा लेना है, ज्यादा धनिया अच्छा लगता है दोस्तों। और सर्दी का मौसम है और आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे मौसम में। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, जीरा मेरा चटक रहा है। जीरे के बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, जीरा मेरा चटक चुका है, देखो दोस्तों मेरा जीरा चटक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, हरी मिर्च मेरी चटक गई है, मेरी हरी मिर्च पूरी भुन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया, ये हमारा चाट मसाला, ये हमारा नमक स्वाद अनुसार, और ये हमारा आधा धनिया डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी, और ये हल्की सी हरी मिर्च, लाल मिर्च क्योंकि मैं लाल मिर्च कम यूज करती हूँ। अब मैं इसमें अपने आलू ऐड कर दूंगी। ये पराठे इतने टेस्टी बनेंगे ना दोस्तों कि बस आप एक की जगह चार खाएंगे। इसको अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। अब मैं बचा हुआ जो हरा धनिया है वो भी इसी में डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, मेरी पिट्ठी जो है वो एकदम रेडी है, पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसे भूनिए और इसको बिल्कुल गांठे ना रहे इसमें, उसको मैश कर लीजिए अच्छे से। अब हम इसको ठंडा करेंगे, मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसको ठंडा करूंगी, ठंडा करके फिर हम इसको स्टफ करेंगे परांठे में। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं मेरे आलू ठंडे हो गए हैं, अब मैं स्टफिंग के लिए आलू तैयार हैं, अब मैं स्टफिंग करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको स्टफिंग करूंगी। हमें उतना आटा लेना है जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी जितना ही आटा लेना है, इससे ज्यादा मत लीजिए दोस्तों, नहीं तो टेस्ट कम हो जाएगा। अब हम इसमें स्टफ करेंगे, अच्छे से स्टफ करेंगे, दो चम्मच आलू स्टफ करेंगे इसके अंदर और इसको कवर कर लेंगे अच्छे से दोस्तों, ऐसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे हम इसको। हम इसमें सूखा आटा बना के हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। एक टिप्स देना चाहूंगी दोस्तों कि कभी भी अपने आलू को पराठे में गरम गरम ना भरें, इससे क्या होता है हमारे पराठे फूट जाते हैं, इधर से उधर से चारों तरफ से निकल जाते हैं, जिससे मेरी फ्रेंड्स बोलती है कि हमारे आलू निकल जाते हैं पराठे से। अगर हम पतला आटा पतली पराठा बनाते हैं तो हमारा पराठे में फूट जाता है। तो कैसे फूट जाता है दोस्तों, ऐसे फूटना नहीं चाहिए क्योंकि आटे को पतला गूंदो, ज्यादा पतला नहीं, थोड़ा पतला गूंदो लूज, और आलू को एकदम ठंडा करके, आलू को बिल्कुल ठंडा करके दोस्तों उसमें भरना है,
बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म रहेगा तो हमारा आटा चाहे पतला हो या टाइट हो वो निकलेगा ही निकलेगा, इसलिए आलू को हमेशा ठंडा करके भरें, स्टफ करें, कभी भी गर्म ना भरें। ये मैं दूसरा परांठा भी बन रही हूँ, अभी आपको देखिए मैं दूसरा परांठा भी आपको करके दिखाती हूँ। बहुत लोगों का पराठा फूट जाता है, मैं वही दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे फूट जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और अच्छे से स्टफिंग आप खूब अच्छे से करिए, बच्चों को जब भी अच्छा लगता है तो पूरी तरीके से भरा हुआ होगा पराठा, और पतला इसका ऊपर का जो कवर है वो पतला हो, कम आटा लें, आलू ज्यादा बने तो टेस्टी पराठा बनेगा इसका। बहुत हल्के हाथों से मैं बेल रही हूँ जिससे कि ये फूटे ना। पराठा बिल्कुल फूटा नहीं है, देखिए। अब मैं इसमें देसी घी लगाऊंगी, तेज थोड़ा सा गैस को कर लूंगी। अब मैं इसमें देसी घी लगाऊंगी, देखिए। वैसे तो दोस्तों देसी घी आप कम लगाओ ज्यादा लगाओ आप पर ही डिपेंड करता है, बट अगर आपको अपने बच्चों को थोड़ा हेल्दी और अच्छा खिलाना है, आपके बच्चे नहीं खाते हैं ज्यादा घी तेल नहीं खाते हैं, तो आप उसको इस तरीके से खिला सकते हैं कि पराठे में या किसी भी रोटी में या पराठे में आप इसको जितना दबा दबा के सेकेंगे एक तो ये खस्ता उतना होगा, ऊपर से जितना भी घी इसमें आप ऑब्जर्व कराना चाहते हैं ऑब्जर्व हो जाए। बच्चे कहते हैं कि लड़कियां कहती हैं कि मुझे मोटा नहीं होना, तो आप कितना भी उसको खिलाना चाहें, माँ है तो खिलाना ही चाहेंगे, तो आप पराठे को हमेशा दबा दबा के सेकें, जिससे क्या है जितना भी घी होगा वो सारा अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा और ऊपर से सूखा दिखेगा पराठा, बच्चे आराम से खा लेंगे और आपके भी मन की मन खुश हो जाएगा आपका भी कि हाँ मैंने देसी घी अपने बच्चे को खिला दिया। आजकल खाने में कुछ भी नहीं है, जो खिला देंगे वही उनके पेट में जाता है। ऐसे दबा दबा के सेकना है दोस्तों, और खस्ता हो जाएगा और सारा घी ऑब्जर्व भी हो जाएगा, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए जब तक हमें इसे दबा दबा के सेकना है। देखिए दोस्तों अब मेरे पराठे ने सारा घी जो है वो पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। देखिए दोस्तों मेरा पराठा बिल्कुल सूख चुका है, अब इसमें बिल्कुल घी नहीं है। अब मैं इसमें दोबारा से घी लगाऊंगी और आप देखेंगे कैसे सारा घी ऑब्जर्व हो जाएगा। अब मैं इसमें पूरा दो चम्मच घी, एक एक चम्मच मैंने दोनों साइड से लगा दिया है, गैस मेरी बिल्कुल सिम है और आप देखिए सारा घी एकदम से ऑब्जर्व कर लेगा पूरा पराठा। देखो दोस्तों अब मैंने एक चम्मच दोबारा भी लगाया था इसमें देसी घी और वो भी मेरे पराठे ने पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया, देखिए बिल्कुल सूखा पराठा आपको नजर आएगा, एकदम सूखा। ये आप खाने के लिए तैयार है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर जरूर करें। कोई भी नई डिश खानी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।